हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के इम्पॉर्टेंट MCQ। तो फ्रेंड, आपको पता है कि UPPCL JEE के लिए मैग्नेटिक सर्किट कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में फॉर्मूले इतने हैं कि आपको बिना प्रैक्टिस के तैयार ही नहीं होंगे। ठीक है, आप याद करके फॉर्मूले को तैयार नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके आपके फॉर्मूले कंठस्थ होंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको फॉर्मूले मतलब रटना नहीं है, आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको फॉर्मूले भी प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आप हमारे पेड यूजर मतलब कि पेड कोर्स को लेते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कि प्रॉपर टॉपिक वाइज MCQ का सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नेटवर्क सर्किट अगर हम पकड़ें, तो नेटवर्क सर्किट में जैसे कि मान लीजिए VK मेहता में जो आया है, ठीक है, VK मेहता में है, प्लस प्रीवियस ईयर में जो है, प्लस JB गुप्ता में, इम्पॉर्टेंट एनी कि मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है सब में। ठीक, अभी नहीं कि इसमें भी कॉमन है तो उन सबको हम सॉल्व करेंगे, नहीं, जैसे इसमें कुछ अलग क्वेश्चन मिल गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में अलग क्वेश्चन है, कुछ JB गुप्ता में अलग क्वेश्चन, एक टाइप की नहीं, अलग अलग क्वेश्चन, तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज बोले तो टॉपिक वाइज ही हम करेंगे, चैप्टर वाइज तो छोड़ दो, टॉपिक वाइज हम करेंगे। ठीक है, प्लस इसमें आपको 2000 मतलब कि क्वेश्चन का क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो 20 प्रैक्टिस सेट रहेगा, और उस 20 प्रैक्टिस सेट में जो मतलब प्रैक्टिस सेट एक रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, UPPCL में आपका 150 क्वेश्चन आता है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट हमारा है उसमें हम 100 क्वेश्चन के हिसाब से बनाए हैं कि पर टेस्ट या फिर पर मॉक पेपर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पर 100 क्वेश्चन डेली नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देखो एक झटके में सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। आपको 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है तो आपको 50 क्वेश्चन पर डे मिलेगा, जिसमें आपको एडवांटेज मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये सब था, बाकी हम अब वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बीमी सूत्र। देखिए, कभी कभी ना ये क्वेश्चन आपसे SSC JEE में पूछ लेता है, कहीं भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखना, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फोर्स का, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जैसे जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, उनका डायमेंशन फॉर्मूला आप एक बार ना लिख लेना कहीं अलग, क्योंकि देखो क्या है कि आप याद करके जाओ तो सही है, क्योंकि हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ दे, एक नंबर का आसान क्वेश्चन है। कहीं कहीं आप देखे होंगे, आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये भी देखा होगा कि I का भी पूछा है, V का भी पूछा है, ठीक है, रेजिस्टेंस का भी पूछा है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इन सब चीज़ों का आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कई जगह पूछा गया, तो इसलिए इन सब का एक अलग से आप बना के रख लो, ताकि लास्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करो तो एक बार देख लो, अभी एक बना के रख लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। ओके, चलिए, तो अगर हम बात करें किसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के, जो बीमी सूत्र की बात करें, तो ये आपका होता है ML² T-2 / A-2। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो बीमी फॉर्मूला होता है, देखिए इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि बीमी फॉर्मूला कितना होता है, तो आपका होता है ML² T-2 / A-2। अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे दो क्वाइल है, देखिए इस तरीके की दो क्वाइल है, इनके बीच के कनेक्शन को मतलब अगर हम मतलब ये डायरेक्टली मतलब बिना वायर के जुड़े हैं, ठीक है, ये बिना वायर के अगर कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कंडक्टिवली कनेक्ट ना होके म्यूचुअली कनेक्ट होते हैं, यानी ये वाला इफेक्ट, जैसे कि प्राइमरी कॉइल में जो इफेक्ट है वही इफेक्ट आपका सेकेंडरी कॉइल में दिखे, तो हम बोल देते हैं कि ये बिना कंडक्टिवली यानी बिना तार के जुड़ के कैसे जुड़ गया है, मैग्नेटिकली जुड़ गया है। कैसे जुड़ गया है, मैग्नेटिकली जुड़ गया है, तो मैग्नेटिकली तब जुड़ेगा जब इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अदरवाइज ये नहीं जुड़ेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली दो कॉइल को एक समझ सकते हो कि एक कॉइल में जो मतलब कि इफेक्ट है, उस कॉइल का प्रभाव दूसरे कॉइल में भी हो और बिना उन दोनों कॉइल को टच किए, तो वहाँ पे टर्म आपका आता है क्या, म्यूचुअल
इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो गया आपका ML स्क्वायर T माइनस टू ए माइनस टू, फॉर्मूला नहीं बीमी है यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन मटेरियल। देखिए आपसे अभी सिर्फ छोटे छोटी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूले पता है कि नहीं पता है ये इंपॉर्टेंट है कि हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अब बताओ हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता क्या है, तो अगर ध्यान से आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि जो हमारा देखिए जो है वो होता है एटा बी पावर 1.6 बी, और ये सब चीज़ और हिस्टेरेसिस लॉस में जो हम बी बी क्या है आपका फ्लक्स डेंसिटी है, बी आपका क्या है बी आपका फ्लक्स डेंसिटी है, और फ्लक्स डेंसिटी जो हम हिस्टेरेसिस में लेते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हम लेते हैं, क्या लेते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है चलिए तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एटा बी पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी होता है। ठीक है जिसमें हम एटा को क्या बोलते हैं स्टेनमेंटस गुणांक, और बी मैक्स क्या आपका है फ्लक्स घनत्व तो है, एफ आपकी आवृत्ति है, वी आपका आयतन है। ठीक है ये चीज़ें होती हैं, इतना तो आपको क्लियर है ये चीज़ें होती हैं आपकी। अब उसके बाद अगर हम बात करें हिस्टेरेसिस हानि को कम करने हैं तो कोर को सिलिकन स्टील का बनाया जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपकी कोई मशीन है उस मशीन में हिस्टेरेसिस लॉस आपका बढ़ गया है, हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ गया है, अब हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम कैसे करें, तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हमको जो मटेरियल प्रीफर करना पड़ेगा वो होना चाहिए किसका सिलिकॉन स्टील। यानी इसका मतलब है कि जो सिलिकॉन स्टील हम यूज करेंगे इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होंगी, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगी बहुत ही कम होगी। क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसे ही थोड़ा सा मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से आप लगाइए। देखिए कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन एम्पियर पर मीटर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसमें पूछा है एम्पियर पर मीटर में, ऑफ ए मैग्नेट व्हेन द पोल मैग्नेट इज 30 एम्पियर मीटर एंड द पोल ऑफ मैग्नेट इज 2 स्क्वायर मीटर। यानी चुंबक की चुंबकीय क्षमता की तीव्रता का निर्धारण एम्पियर अपान मीटर में करें जब चुंबक की पोल की ताकत 30 एम्पियर मीटर होती है और चुंबक का पोल 2 वर्ग मीटर का होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना पहली चीज़ आपको समझना है, कभी कभी मान लो आपको फॉर्मूला इसका नहीं याद है, ठीक है मैं कहता हूँ कि जो आपका चुंबकीय क्षमता की तीव्रता है ठीक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब आपको सपोज वो याद ही नहीं है उसका फॉर्मूला क्या होता है ठीक है, तो इसका होता है पोल स्ट्रेंथ अपान पोल एरिया आप कह सकते हो ठीक है, पोल स्ट्रेंथ अपान पोल एरिया हम इसको बोलते हैं या फिर पोल ठीक है। तो लेकिन आपको सपोज फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बस क्या करना है कि क्वेश्चन में बोला है कि एम्पियर पर मीटर में निकालना है। अब एम्पियर पर मीटर में आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन के हिसाब से कैसे आ सकता है, एक 30 एम्पियर मीटर है और ये मैग्नेट जो है ये 2 स्क्वायर मीटर का है, तो इनके सिर्फ इससे आप देखो ये स्क्वायर मीटर है ये एम्पियर मीटर है, तो इससे एम्पियर पर मीटर बन सकता है, तो आप देखोगे कि हाँ एम्पियर मीटर अपान स्क्वायर मीटर है, अगर एम्पियर मीटर अपान स्क्वायर मीटर करेंगे तो एक मीटर से एक मीटर कटेगा तो एम्पियर अपान मीटर बन जाएगा। तो अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद था ना, इसने बोला है कि इसमें बताओ, तो आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूला अपने से भी बना सकते हो, या फिर कभी कभी यहाँ पे ना देखिए इसको ऑप्शन में दिया रहता है तो ऑप्शन में आप देख के बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में देखो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा ठीक है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको फॉर्मूला याद रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं याद है तब के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पोल स्ट्रेंथ ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ अपॉन पोल एरिया ठीक है, पोल एरिया। तो पोल स्ट्रेंथ कितना है आपका, पोल स्ट्रेंथ आपका दिया है 30 ठीक, और पोल एरिया कितना दिया है 2 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है ठीक है। तो
थर्टी अपॉन दो स्क्वायर मीटर तो कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर अपॉन मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड MMF इन एम्पियर टर्न्स इन ए क्वाइल इफ द क्वाइल हैज 160 टर्न एंड कैरीज ए करेंट ऑफ 0.15 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से आपका धीरे धीरे क्वेश्चन अब बेस्ड बढ़ रहा है, अब आप समझ सकते हो कि आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है MMF, ठीक है, MMF। अब देखिए MMF क्या है आपका, आपका होता है मैग्नेट मोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो EMF के बराबर होता है। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। MMF क्या होता है, मैग्नेट मोटिव फोर्स। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो MMF होता है इसकी देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो MMF का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है N into I। ये आपको याद रखना है हमेशा कि मैग्नेट मोटिव फोर्स, यानी कि मैग्नेट मोटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स, मैग्नेटिक सर्किट का एक ऐसा फोर्स जो फ्लक्स को एक स्थान से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करवाता है। MMF, EMF का क्या होता है कि मतलब कि आप कहते हो EMF करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में भेजता है, वो आपका क्या होता है EMF होता है। तो फ्लक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने के लिए हम MMF का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो EMF है यह इसका फॉर्मूला N into I होता है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और I जो है वो करंट है। ठीक है, तो यहाँ से MMF की जो यूनिट बनती है वो बनती है एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो MMF का जो फॉर्मूला होता है एक और होता है, जैसे EMF आप जानते हो, तो EMF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I into R। तो अगर मैं बात करूँ, ये मैग्नेटिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट था, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो I होता है मैग्नेटिक सर्किट में वही फाई होता है। ठीक है, फ्लक्स। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो रिलक्टेंस होता है, जिसको हम यस से लिखते हैं। अभी देखो आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करते चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो, आप फॉर्मूले याद करते चलो धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे जब फॉर्मूले आपको याद होते चलेंगे तो आगे बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। अभी आपको लगेगा कि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन इसका कितना एडवांटेज होता है एग्ज़ाम में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो MMF बराबर फाई इंटू यस होता है, और EMF बराबर I इंटू आर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि फाई जो होता है वो क्या है आपका, फाई आपका है फ्लक्स। ठीक है, यस जो है आपका वो रिलक्टेंस है, क्या है, रिलक्टेंस। तो इसके लिए अगर हम बताएं कि आपका जो फॉर्मूला मतलब कि अगर हम निकालते हैं यूनिट, तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वह होती है वेबर, और जो रिलक्टेंस है रिलक्टेंस की यूनिट पर हेनरी होती है। कहीं कहीं पे हम निकालते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, पर हेनरी होती है। तो रिलक्टेंस बराबर जो होगा वेबर पर हेनरी होगा। ठीक है, वेबर पर हेनरी कर सकते हो आप। अभी देखना आगे हम ऐसे ही और भी आप देखना यूनिट निकालेंगे अलग अलग तरीके की, देखना MMF की यूनिट अलग निकल के आएगी, फाई की अलग निकल के आएगी, जो रिलक्टेंस है उनका अलग अलग इस तरीके से यूनिट निकल के आ देगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतने फॉर्मूले जानते रहो बस। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 160 टर्न दिया है और करंट कितना दिया है 0.15 एम्पियर। अब सिर्फ दो चीज़ दिया हुआ है, मैंने बताया कि MMF का जो फॉर्मूला होता है वो N into I होता है। अब N आपको दिया है 160 गुड़े करंट कितना दिया है 0.15 मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा तो 1 दशमलव हटेगा, तो 16 गुड़े 1.5 तो 16 का गुणा डेढ़ गुना यानी 16 गुड़े 1.5 तो कितना होगा, आप देखेंगे कि आपको 24 मिलेगा। अब 24 एम्पियर टर्न किसमें है बताना है, एम्पियर टर्न में बताना है, तो 24 एम्पियर टर्न होगा। ठीक है,
देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 एम्पियर टर्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखिए आ रहा है आंसर आपका। अगर यहाँ से आप देखो कि डिटरमाइन द रिलक्टेंस, अब रिलक्टेंस देखो आ रहा है, डिटरमाइन द रिलक्टेंस इन एम्पियर टर्न पर वेबर ऑफ ए क्वाइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द क्वाइल इज 25 वेबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमईएमएफ इज 50 एम्पियर टर्न। अब देखिए आपको मैंने बताया कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैंने कहा कि जो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को हम यस से लिखते हैं और यस बराबर जो होता है वो होता है यम यम यफ अपान फ्लक्स, जिस तरह से रेजिस्टेंस बराबर होता है ई एम एफ बटे आई, उसी तरह से रिलक्टेंस बराबर यम यम यफ अपान फ्लक्स। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यम यम यफ की यूनिट कितनी होती है, एन इंटू आई यानी एम्पियर टर्न, हम इसको ए टी लिख सकते हैं, और फ्लक्स की यूनिट वेबर। तो आप देख सकते हो कि जो रिलक्टेंस है उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगी, एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखना आगे चलेंगे तो हमें और फॉर्मूलेज मिलेंगे और उस तरीके से हम डील करते चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है आप देख लो ध्यान से। आपको दिया है इस क्वेश्चन में आपको दिया है मतलब कि 25 वेबर यानी कि फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है और ईएमएफ की वैल्यू 50 एम्पियर टर्न दे रखा है। तो आप यस का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो यस का मान कितना होगा, आप देखो फॉर्मूले में रखो ना, फॉर्मूला क्या होता है, यम यम यफ अपान फ्लक्स। तो यम यम एफ की यूनिट कितनी, वो यम यम एफ क्या है, 50 एम्पियर टर्न है, और जो फ्लक्स है वो कितना, 25। तो 50 बटे 25 कितना होता है, 2। 50 बटे 25 मतलब 2 एम्पियर टर्न, 2 एम्पियर टर्न पर वेबर, 2 एम्पियर टर्न पर वेबर। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब किस तरीके से सॉल्व किया है वो आप समझ सकते हैं। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन पता रहेंगे तभी इससे चल के आगे आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इंडक्टर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इंडक्टर्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, कह रहा है कि 5 इंडक्टर हैं, सपोज इंडक्टर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है 5 इंडक्टर हैं आपके, 5 इंडक्टर हैं, एक हो गया 2 3 4 ये 5, 5 इंडक्टर आपके हैं और ये किस में जुड़े हुए हैं, ये कनेक्ट है सीरीज में। ठीक है, तो इनका कितना वैल्यू होगी, एक चीज़ फ्रेंड समझ लेना आप, आपको याद रखना है, जैसे ये इंडक्टर है, 2 इंडक्टर सीरीज में जुड़ा है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, ये L1 मान लेते हैं, इंडक्टर को हम L से डिनोट करते हैं, ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको याद रखना है कि इसका L इक्विवेलेंट जो होगा वो L1 प्लस L2 होता है, किस कंडीशन में, जब ये सीरीज में जुड़ा हो, कैसा जुड़ा हो, सीरीज में। और यहाँ पे भी आपको पता है कि R बराबर कितना होगा, R1 प्लस R2। देखो मैं क्यों इसको साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी सीरीज कनेक्शन आपसे पूछे तो सीरीज कनेक्शन में जिस तरह का फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस में होता है उसी तरह का फॉर्मूला आपका इंडक्टेंस में होता है। यानी इंडक्टेंस अगर सीरीज में जुड़ा है तो उसको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस भी आपका सीरीज में जुड़ा होता है तो हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन चेंज किस में होता है, तो ये देखिए, ये तो इंडक्टर का आपको पता चल गया, चेंज आपका जैसे एक सपोज एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है ये C1 है और ये C2 है। अब आपसे कह रहा है कि C इक्विवेलेंट कितना होगा, भाई आपको पता है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C(1/C1)+1/C2+ करके आगे जितने भी रहेंगे सबको ऐसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल वाला केस होता है वह कैपेसिटर में, वो कैपेसिटर में सीरीज वाला केस होता है। यानी कि जैसे
पैरेलल में रजिस्टर जुड़े हैं तो हम क्या करते हैं, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 ऐसे करके जोड़ते हैं। उसी तरीके से हम कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़ा होगा तो ऐसे जोड़ते हैं। तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि आपको कैपेसिटर में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सीरीज में रहेगा तो कैसे होगा, पैरेलल में रहेगा तो कैसे होगा, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, सपोज दो इंडक्टर हैं आपके, ठीक, दो इंडक्टर हैं, एक मान लीजिए L1 है और ये L2 है। अभी किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो इनका होगा 1/L बराबर 1/L1 + 1/L2, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे करके आगे जितने भी और जुड़े रहेंगे उनको हम जोड़ देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना, ओके। रेजिस्टेंस का भी आपको पता है कि सपोज दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक, पैरेलल में, तो ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, इस तरीके से हो जाएगा, ओके। और कैपेसिटर जब सीरीज में रहेगा तो उसको हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट विल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इंडक्टर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। 5 इंडक्टर हैं और उनकी सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस है और किस में जुड़े हैं, सीरीज में। अब मान लीजिए कि 5 इंडक्टर हैं और सबकी वैल्यू कितनी है, L है, और वो किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो हम क्या करेंगे कि पांचों को जोड़ देंगे, ठीक है, पांचों को जोड़ देंगे, ठीक, पांचों को जोड़ देंगे। ये मान लीजिए L एक हो गया, L, ठीक है। अब पांचों सीरीज में जुड़े हैं तो इनको हम डायरेक्टली जोड़ते हैं ना, तो L + L + L + L + L, तो 5L कितना हो जाएगा, 5L, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बाई एन 8 हेनरी इंडक्टर इफ द करेंट थ्रो द इंडक्टर इज 4 एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड आपको बताना है और उस इंडक्टर की वैल्यू आपको L बराबर दे रखा है 8 हेनरी, ठीक, और उसके बाद और उससे जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, कितनी, 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना होता है और कैसे होता है, इंडक्टर में कितना स्टोर्ड एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी E बराबर होता है 1/2L × I का स्क्वायर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए 1/2L × I², ठीक। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L² कैपेसिटर में पूछे तो 1/2CV² होता है, ये कैपेसिटर में होता है और ये इंडक्टर में होता है। इंडक्टर जो होता है वो करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है और कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इंडक्टर इसीलिए चेंज इन करंट का अपोज करता है, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी किस में होती है, करंट के फॉर्म में, तो इसलिए वो हमेशा जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके परिवर्तन का विरोध करेगा, तो जो रूप में एनर्जी स्टोर्ड रहेगी उसी का तो विरोध करेगा, तो वह करंट के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए जो करंट में चेंज होता है उसी चीज़ को इंडक्टर अपोज करता है। वोल्टेज में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में होती है, वो आपकी होती है, सॉरी, कैपेसिटर में जो मतलब स्टोर्ड एनर्जी होती है वो वोल्टेज के फॉर्म में होती है, और वोल्टेज के फॉर्म में होने से कैपेसिटर वोल्टेज के अपोज मतलब कि चेंज होने का अपोज करता है, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो E बराबर जो होगा 1/2L² तो 1/2 × L, L की वैल्यू कितनी है 8 I² का मतलब कि 4 × 4, ठीक, तो 2 × 4 = 8, तो 4 × 16 = 64, कितना हो जाएगा C, 64 मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी है तो जूल में रहेगा, किस में रहेगा, जूल में रहेगा आपका, ठीक है। तो आप देखिए आपको फॉर्मूला पता है तो आसानी से आप कर सकते थे। चलिए अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं,
आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ये UPPCL का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मैंने कहा था कि आपको देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे ना कि आपको इतना एडवांटेज मिलेगा कि आप समझ नहीं सकते। आपको मतलब कि एक अच्छी मतलब कि बेसिक के साथ साथ एक अच्छा कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा और तरीका भी आपको पता चलेगा कि आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है। अब ऑप्शन को पढ़िए कि परमबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। जो परमबिलिटी यानी परमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल यानी कि परमबिलिटी बराबर वन अपान रिलक्टेंस होता है। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि परमबिलिटी बराबर वन अपान रिलक्टेंस, या फिर रिलक्टेंस बराबर वन अपान परमबिलिटी, या फिर रिलक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। ठीक, उसके बाद क्या है कि ससेप्टिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। अब देखिए समझना यहाँ पे क्या है। देखिए जैसे आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, कंडक्टेंस, जी, जिसको हम जी से लिखते हैं, कंडक्टेंस होता है। और रेजिस्टिविटी का जो आपसे रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि कंडक्टिविटी होती है। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे जैसे पूछा गया कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा तो वन अपान जी ये होता है, ठीक, और रेजिस्टिविटी बराबर पूछा जाएगा तो वन अपान मो ये होता है ऐसे। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस में बात हो गई। लेकिन जब हम मैग्नेटिक सर्किट में आते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस पूछा है, रिलक्टेंस को हम यस से लिखते हैं, तो ये बताइए जो परमबिलिटी होगा कि परमियंस होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि परमियंस होगा। परमियंस को भी हम चलो मतलब कि जी से ही लिख देते हैं। ठीक है, परमियंस को हम चलो पी से लिख देते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ऐसे है। अभी हम देखेंगे किससे इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, बट जिस तरह से रेजिस्टिविटी होती है उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होती है, रिलक्टिविटी। ठीक है, रिलक्टिविटी को हम कैसे करते हैं तो परमबिलिटी से करते हैं। परमबिलिटी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए तो देखिए क्या है कि जो पारगम्यता, ठीक है, अब देखिए पारगम्यता नहीं होती है प्रतिष्ठम की विरोध, कभी भी आप ये मत समझिएगा कि पारगम्यता नहीं, पारगम्य, ठीक है। परमियंस जो होगा वो रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का, और रिलक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है परमबिलिटी। ठीक है, तथा चुंबकीय फ्लक्स के विकास में सहायता प्रदान करता है। जिस तरह से देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसी तरह से रिलक्टेंस फ्लक्स के जनरेशन का अपोज करता है। जिस तरह से कंडक्टेंस करंट के फ्लो होने का सपोर्ट करता है, उसी तरीके से परमियंस फ्लक्स के मतलब कि फ्लो होने का सपोर्ट करता है। ठीक है, यह विद्युत परिपथ की चालकता के समान होती है तथा इसकी इकाई वेबर पर एम्पियर वर्थ या हेनरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको याद रखना है, परमियंस। अब परमियंस का जो यूनिट है, पहली चीज़ तो इसकी यूनिट क्या दे दी, हेनरी दे दी। हेनरी क्या दे दिया, हेनरी। देखो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या बोला कि हेनरी है, किसकी यूनिट, परमियंस की। अब परमियंस की हेनरी है तो आप समझ सकते हो कि रिलक्टेंस की क्या होगी, वन अपान हेनरी। इसलिए मैंने बताया था कि ये भी यूनिट आपको याद रखना है। तो रिलक्टेंस की यूनिट वन अपान हेनरी होगी। उसके बाद परमियंस की एक यूनिट क्या है, वेबर प्रति एम्पियर वर्थ। अब वेबर पर एम्पियर वर्थ कैसे, क्योंकि यस बराबर होता है यम यम यफ अपान फ्लक्स। तो ये तो रिलक्टेंस है तो परमियंस इसका उल्टा होगा, तो ये फ्लक्स अपान यम यम यफ होगा। तो उसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेबर अपान एम्पियर टर्न। तो दो यूनिट आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, दो यूनिट आपको याद रखना है परमियंस की, एक तो पर हेनरी, उसके बाद ये तो आप मतलब फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो, ये पर मतलब हेनरी याद रखना। उसके बाद रिलक्टेंस के लिए क्या करेंगे,
तो 1/हेनरी। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिलक्टेंस की यूनिट क्या है। अब मान लो कि यही सही मानना है उसको और ऑप्शन में और कोई वाला मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ यही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये भी सही आपका है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस क्या है कि यह पदार्थ का वह गुण है जो अपने परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। मैंने बताया आपको, अर्थात चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के पथ या मार्ग में प्रस्तुत प्रतिरोध प्रतिस्तंभ कहलाता है। यानी एक चुंबकीय परिपथ है, उसमें जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस बोलेंगे। अब रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यस बराबर, रिलक्टेंस को हम यस से लिखते हैं, तो यस बराबर यल अपान म्यू नॉट म्यू आर ए। अभी देखो आगे आएगा, जो परमबिलिटी है इसको हम सिर्फ म्यू लिखते हैं, ठीक है, और म्यू बराबर जो होता है रिलेटिव परमबिलिटी इंटू एब्सोल्यूट परमबिलिटी, ठीक है, ये आपका कर लेते हैं। तो देखिए रिलक्टेंस का एक फॉर्मूला, जैसे आप देखेंगे कि रिलक्टेंस जिस तरह से आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस की एक यूनिट होती है, वो मतलब फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, उसी तरीके से एल बाई ए तो है ही, बस यहाँ पे क्या है, ये म्यू लग जाता है आपका, जो परमबिलिटी के नाम पे दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब जहाँ पे हम देखेंगे कि यल जो है चुंबकीय परिपथ की लंबाई मीटर में है, उसके बाद परिनलिका का अनुप्रस्थ क्षेत्र वर्ग मीटर में, ये आपका क्या है, ये आपका मतलब कि एरिया है। उसके बाद म्यू नॉट जो निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू आर जो कि सापेक्षिक चुंबकशीलता, यानी म्यू नॉट जो है वो आपका क्या है, वह आपकी एब्सोल्यूट परमबिलिटी है। उसके बाद जो म्यू आर है ये आपकी क्या है, रिलेटिव परमबिलिटी। अभी इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इसलिए मैं कह रहा था कि मैग्नेटिक सर्किट इतना बड़ा है कि इसमें इतने नंबर ऑफ मतलब कि फॉर्मूले हैं कि आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ही आसानी से लेके चलूँगा, धीरे धीरे लेके चलूँगा, ताकि आपका तैयार होता रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल सपोर्ट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, यानी पदार्थ का वह कौन सा गुण इसमें गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का समर्थन करता है। अब देखिए अभी क्या कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है, परमियंस होगा कि रिलक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस, इन सब का तो कोई मतलब नहीं है। रिलक्टेंस जो होता है क्या करता है, तो अपोज करता है, सपोर्ट कौन करता है, परमियंस करता है। अब परमियंस सपोर्ट करता है, तो परमियंस अगर सपोर्ट कर रहा है, अच्छा एक चीज़ और, अगर परमियंस सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ से परमियंस की एक आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला और बन सकता है परमियंस को। परमियंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए अपान एल। ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका होगा, ये परमियंस का होगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है और बहुत ही तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक सही होगा, इसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स है, इसकी काई हेनरी होती है। आदर्श कोर पदार्थ के लिए परागम का मान अनंत होता। अब देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे कि आपका कोई कोर है, कोर हम हमेशा चाहते हैं कि एक कोर की जो परमबिलिटी है, वो क्या होनी चाहिए, आई होनी चाहिए। जैसे आप ट्रांसफार्मर की कोर ले लेते हो, कोई भी कोर लेते हो, उसमें हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, सिलिकन स्टील का बनाते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकन स्टील का बनाते हैं, जबकि ईडी करंट लॉस होता है, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। किन का इस्तेमाल करते हैं, लेमिनेशन का। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कोर है और वो क्या है, आइडियल है, एक कोर है वो आइडियल है, तो उसका परमियंस, ठीक है, उसका परमियंस कितना होगा, तो उसका परमियंस आपका जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, और जो उसका रिलक्टेंस होगा वो जीरो होगा। ये याद रखिएगा, एक आदर्श कोर की, एक आइडियल कोर का जो परमियंस होता है या परमबिलिटी होती है, वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और उसका जो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनाइड। तो सोलेनाइड के लिए कौन सा मतलब कि आपका स्वप्रेरण सही है। चलिए देखिए, यल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ई, यल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ई अपान एल, यल बराबर म्यू नॉट एन ए स्क्वायर इंटू एल, यल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एल।
अब देखिए आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि हर एक चीज़ के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपको परिनलिका के लिए स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है और चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अब कौन सा सही है आपको यही बताना है। तो समझिए कि मैग्नेटिक सर्किट कितना इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले के लिए, क्योंकि फॉर्मूला इसमें बहुत होते हैं और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जब भाई फॉर्मूला ही नहीं याद आए रहेगा तो क्वेश्चन कैसे याद कर पाओगे आप, क्वेश्चन कैसे मतलब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप याद रखिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल, ठीक है। एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल, और जहाँ पे एल क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यू नॉट जो है शून्य में चुंबकशीलता यानी कि आपकी मतलब कि बोल सकते हो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और एन जो है वर्तनों की संख्या, ए परिनालिका का क्षेत्रफल और एल जो है परिनालिका की लंबाई। अब देखिए क्या है, किसी परिपथ में एल अधिक होने पर अस्थायी धारा स्थापित होने में अधिक समय लगता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर किसी परिपथ में एल का मान ज़्यादा है तो वहाँ पे जो कांस्टेंट करंट है वो होने में अधिक समय लगेगा, यानी करंट कांस्टेंट होने में उसको काफ़ी समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी मतलब कि कोई भी मतलब कोर है, ठीक है, कोई भी परिपथ है, जब तक इंडक्टर में कम्प्लीटली करंट पूरा स्टोर नहीं हो जाएगी जितनी उसकी कैपेसिटी है, तब तक करंट कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा वैल्यू हाई मतलब रहेगा एल का उतना ही ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो परिनालिका के लिए आपका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ परमियंस इन हेनरी ऑफ ए क्वाइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द क्वाइल इज 26 वेबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड EMF इज 20 एम्पियर टर्न। अब देखो ये क्वेश्चन तो देखने में एकदम आसान है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको वेबर दिया यानी फ्लक्स दिया हुआ हो और EMF दिया हो तो आपसे सिर्फ क्या पूछ सकता हो, रिलक्टेंस पूछ सकता है, परमियंस पूछ सकता है। चाहे आप रिलक्टेंस निकाल लो चाहे परमियंस निकाल लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि रिलक्टेंस निकालोगे तब भी परमियंस निकल जाएगा, अगर परमियंस निकालोगे तो डायरेक्टली निकाल लो परमियंस। तो परमियंस के लिए तो आपको फॉर्मूला भी बताया है ना मैंने कि परमियंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए परमियंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, परमियंस को पी से हम लिख रहे हैं, तो ये जो होगा ये फ्लक्स अपान EMF होगा, ठीक है। अब फ्लक्स आपको जो दिया है वो कितना दिया है, अगर आप देखें तो 26 वेबर दिया है और जो EMF दिया हो 20 दिया है, तो परमियंस बराबर जो होगा वो कितना होगा, 26 अपान 20, ठीक, कितना हो जाएगा, 20 कम 20 1.3 होना चाहिए, कितना हेनरी, 1.3 हेनरी होगा, ठीक है, 1.3 हेनरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से पहले इन्होंने क्या निकाला है, इन्होंने पहले आपका निकाला है रिलक्टेंस, फिर रिलक्टेंस निकालने के बाद फिर परमियंस को इन्होंने किया है। तो आप कुछ भी कर सकते हो नॉर्मल, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी, मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी से कौन सा मतलब ट्रू है, कौन सा ऑप्शन। तो देखिए पहला, रिलेक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, तो क्या ये सही हो सकता है, पहले ध्यान से आप ही समझ लो, क्योंकि मैं अब फिर आगे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो रिलेक्टिविटी जो होता है इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो परमेबिलिटी होती है, ना कि रेसिप्रोकल मतलब कि रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस का जो मतलब रेसिप्रोकल होता है वो परमियंस होता है, जबकि रिलक्टेंस और रिलेक्टिविटी एक दूसरे का मतलब, जैसे रिलक्टेंस है ये अपोज करता है और उसी का एक गुण है रिलेक्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस है एक किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, तो रेजिस्टिविटी उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। उसी तरीके से रिलेक्टिविटी जो भी है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि ये रिलक्टेंस जो है ये वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, लंबाई पर भी, एरिया पर भी, और परमेबिलिटी पर, वो मतलब कि एब्सोल्यूट चुंबकशीलता जो है उस पर भी डिपेंड करता है, जबकि रिलेक्टिविटी इन सब पर डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि किस मटेरियल का बना हुआ है। तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी है और ये तो आपका पूरा मतलब एक गुण है ही, ठीक है। चलिए उसके बाद तो वो सही नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, रिलेक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टिबिलिटी,
ससेबिलिटी का रेसिप्रोकल होती है रिलेक्टिविटी? नहीं, ये तो कैपेसिटर में, ससेबिलिटी शायद कैपेसिटर में आती है, ठीक है, अभी आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, रिलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमियंस, तो परमियंस नहीं होगा, परमियंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, तो ये भी गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा कि रिलेक्टिविटी जो होती है रेसिप्रोकल होती है परमेबिलिटी की, ठीक है। चलिए, तो रिलेक्टिविटी पारगम्यता के पारस्परिक है अर्थात व्युत्पन्नपाती होता है, तो रिलेक्टिविटी बराबर 1/μ0μ² मीटर पर हेनरी। अब देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे ये जो म्यू नॉट म्यू आर है ये आपका क्या है, परमेबिलिटी है, और परमेबिलिटी को हम सिर्फ म्यू से लिखते हैं और म्यू बराबर जो होता है म्यू नॉट म्यू आर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा कि म्यू बराबर जो होता है म्यू नॉट गुड़े म्यू आर। कभी आपसे परमेबिलिटी पूछे तो परमेबिलिटी जो होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और गुड़े रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो रिलेक्टिविटी है उसकी यूनिट जो दिया है मीटर पर हेनरी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी आपका जो होता है वो क्या होता है, परमेबिलिटी हेनरी पर मीटर होता है। तो कभी भी आपको याद रहना है कि आपसे परमेबिलिटी पूछेगा तो परमेबिलिटी हेनरी पर मीटर होगा, हेनरी पर मीटर होगा, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट। अब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि म्यू बराबर होता है म्यू नॉट गुड़े म्यू आर। अब देखिए आपको पता है कि ये परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी की यूनिट हेनरी पर मीटर होती है, ठीक, तो ये जो म्यू नॉट है और म्यू आर है, अब इसमें से किसी एक की यूनिट होगी, जैसे इसकी अगर नहीं होगी तो सिर्फ इसकी यूनिट होगी हेनरी पर मीटर, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हेनरी पर मीटर अगर इस साइड है तो बीमी विश्लेषण में भी आपने पढ़ा होगा कि दो इक्वेशन आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनकी यूनिट बराबर होती है, ठीक है। तो ये म्यू जो होता है इसकी यूनिट हेनरी पर मीटर है, तो इधर भी यूनिट हेनरी पर मीटर होनी चाहिए, तो इधर म्यू नॉट गुड़े म्यू आर है, तो ऐसा नहीं कि इस एक की हेनरी होगी एक की पर मीटर होगी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि आपने जैसे कि मीडियम के ऊपर कौन सा मीडियम हो उसके लिए इसकी फिक्स वैल्यू रखी गई है, ठीक है, जैसे कि ठीक है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है, ये हमेशा फिक्स होती है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसकी यूनिट हेनरी पर मीटर होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 4π × 10⁻⁷, जबकि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो है इसकी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। उसके बाद ये हमेशा डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, जैसे आपने एयर ले लिया, वैक्यूम ले लिया, तो वहाँ पे वैल्यू एक होती है इसकी, उसी तरीके से पानी में अलग होती है, ठीक है, हर जगह इसकी वैल्यू अलग अलग रखी जाती है। अगर मान लो कहीं अलग दिया है तो आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू दे के तभी कहेगा, अदरवाइज आपको मीडियम जो रहेगा वो एयर दिया रहेगा या फिर वैक्यूम दिया रहेगा जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर कोई और मीडियम दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको वैल्यू भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ताकि आप सॉल्यूशन करो तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो परमेबिलिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर, तो रिलेक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर हेनरी, मीटर पर हेनरी, क्लियर हो गया। जिस तरीके से आपको पता है कि हम रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम पर मीटर, ओम पर मीटर, और कंडक्टिविटी की यूनिट मीटर पर ओम होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, मतलब यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे कभी भी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है कि जो हाँ रिलेक्टिविटी को स्पेसिफिक रिलक्टेंस भी कहा जाता है, तो कभी कभी जैसे आपने पढ़ा हो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसी तरीके से मतलब कि रेजिस्टिविटी वो रिलेक्टिविटी है, तो रिलेक्टिविटी को स्पेसिफिक क्या बोल सकते हो, रिलक्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, विशिष्ट प्रतिबिंब भी कह सकते हो। तो आपको याद रहना चाहिए कभी भी आपसे मान लो पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रिलक्टेंस बताओ, तो आप इस तरीके से बताना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू यूज्ड फ्लक्स इज नोन एज,
देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है आपका कि रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू यूज फ्लक्स इज नोन एज, रेशियो ऑफ लिंकेज अपॉन टोटल फ्लक्स टू यूज फ्लक्स इज नोन एज, टोटल फ्लक्स लिंकेज और यूज फ्लक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स गेन फैक्टर, फ्लक्स लीकेज फैक्टर, फील्ड गेन फैक्टर, फील्ड लीकेज फैक्टर। देखिए जो रेशियो है किसका पूछा, टोटल फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जैसे दो क्वाइल है आपकी, सपोज एक क्वाइल ये है और एक क्वाइल ये है, तो यहाँ का जो फ्लक्स है यहाँ से आपका लिंक कर जाए, यानी बिना यहाँ से बीच में कहीं गए डायरेक्ट यहाँ पे लिंक कर जाए, तो उसको हम लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं, और जो यहाँ वाला फ्लक्स यहाँ नहीं पहुँच पाएगा उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो क्या पूछा है कि टोटल फ्लक्स लिंकेज, तो यानी कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में था जितना यहाँ लिंक किया था वो टू यूज फ्लक्स, यानी टू मतलब कि जो आपने यूज किया है जो फ्लक्स उनका जो रेशियो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज फैक्टर। क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। तो आप देख सकते हो कि कुल फ्लक्स और प्रयुक्त फ्लक्स का मतलब अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर के रूप में जाना जाता है, यानी कि टोटल फ्लक्स जिसको आप कहते हो और यूज फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स अपान यूजफुल फ्लक्स, यानी टोटल लिंकेज फ्लक्स और अपान यूजफुल फ्लक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका होता है लीकेज फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए लीकेज फैक्टर का मान एक से ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीकेज फैक्टर की वैल्यू कितना होती है, एक से ज़्यादा होती है। अब लीकेज फैक्टर की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो लीकेज फैक्टर को हम लैम्डा से लिख प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान सामान्यतः कितना होता है, 1.12 से 1.5 के बीच में होता है। देखिए लीकेज फैक्टर की जो वैल्यू है वो किसके बीच में वेरी करती है, 1.12 से लेके 1.5 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। और एक कुंडली के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का दूसरी कुंडली से लिंक ना करना ही लीकेज फ्लक्स कहलाता है। मैंने वही बताया ना कि लीकेज फ्लक्स इसको कहलाएंगे कि एक कुंडली से जो फ्लक्स मिला वो दूसरी से लिंक नहीं कर पाए, तो उसे क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो आपको समझना है कि लीकेज फैक्टर यानी छरण गुणांक क्या होगा कि टोटल फ्लक्स अपान यूजफुल फ्लक्स, टोटल लिंकेज फ्लक्स अपान यूजफुल फ्लक्स लीकेज फैक्टर, और लीकेज फैक्टर की वैल्यू एक से अधिक होती है और किसके बीच में वेरी करती है, 1.12 से 1.5 के बीच में वेरी करती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी फाई बटे ए। अब आपको कुछ जाना जाना फॉर्मूला दिख रहा है, फाई बाई ए क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो बी होता है, बी मतलब क्या, फ्लक्स डेंसिटी। देखो डेंसिटी कोई भी आप पढ़ो, जैसे करंट डेंसिटी पढ़ रहे हो तो करंट पर यूनिट एरिया, फ्लक्स डेंसिटी पढ़ रहे हो तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो जो जैसे करंट डेंसिटी तो आई बटे ए, फ्लक्स डेंसिटी फाई बटे ए, इसी तरीके से जो भी डेंसिटी हम पढ़ते हैं उस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो होता है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से लिखते हैं, और बी को हम किससे लिखते हैं, फ्लक्स, हाँ देखिए फ्लक्स डेंसिटी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए इसका क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स पर यूनिट को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है, यह एक वेक्टर राशि है। देखो कभी कभी आपसे ना वेक्टर और स्केलर भी पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यह एक वेक्टर राशि है और इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो आपको पता है फाई बटे ए है, तो फाई की यूनिट वेबर और एक यूनिट मीटर स्क्वायर, तो फाई बटे मतलब कि वेबर पर मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है वो टेस्ला होती है, ठीक है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, तो दोनों यूनिट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इसे हम बी से लिखते हैं तो बी बराबर फाई बटे ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक टर्म इसमें है कि ये आपको याद है ना, तो देखिए किसी मशीन की साइज फ्लक्स डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी किसी भी मशीन की अगर हम साइज की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मशीन की साइज प्रोपोर्शनल 1/ फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाओगे तो मशीन की साइज घटेगी, फ्लक्स डेंसिटी घटाओगे तो मशीन की साइज बढ़ेगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको याद रखना है। फ्लक्स डेंसिटी का यूज आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर ट्रांसफार्मर में पूछा जाएगा आपसे तो आप ये वाला यूज जरूर करना कि फ्लक्स डेंसिटी जो होती है रेसिप्रोकल होती है किसकी, मशीन की साइज की,
ठीक है, मशीन के साइज की। ओके, यानी मशीन की साइज आपको ज़्यादा चाहिए तो फ्लक्स डेंसिटी कम करना पड़ेगा, मशीन की मतलब साइज कम चाहिए तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द परमियंस इन हेनरी ऑफ ए कॉइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 25 वेबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड EMF इज 25 एम्पीयर टर्न। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसके पहले हमने ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया था। परमियंस पूछा है, परमियंस बराबर जो होता है आपका क्या होता है, फाई अपान EMF। तो फाई की वैल्यू कितनी होती है 50 और EMF की वैल्यू कितना दिया है 25। ठीक है, दिया है ना, ये तो 50 वेबर दिया है, ये 25, तो फॉर्मूले में रख दो बस, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। ओके, 2 हेनरी। तो आप देख रहे हो कि कितनी वैल्यू है, 2 हेनरी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट MCQ लेके आएंगे मैग्नेटिक सर्किट पर, मैग्नेटिक सर्किट जो कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ यार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी भी तरीके का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पेड कोर्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।